Hey guys, welcome back to my channel Spoon with Fork. Hope you're doing really great. So, आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का मसाला. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से आप इजीली इसे घर पे बना सकते हैं. चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चेक आउट द रेसिपी. यहाँ पे मैंने ले लिया है 200 ग्राम पनीर जिसे मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट किया है. एक मीडियम साइज का प्याज लिया है उसे भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है. एक मीडियम साइज का लिया है टमाटर उसे भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है. और एक मीडियम साइज का ले लिया है मैंने कैप्सिकम. यहाँ पे एक पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल. और इस तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है जब तक कि इसमें से इस तरह से धुआं ना आने लगे. एक बार जब धुआं आने लगे तब गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे. तेल को हल्का सा ठंडा कर देंगे. उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन. तेल यहाँ पे हल्का सा गर्म है तो बेसन को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे. इसमें गैस की फ्लेम यहाँ मैंने ऑफ ही रखी है. बस तेल एक बार जब हमें बेसन को कम्प्लीटली अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़े से मसाले. तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड किया है मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 3 से 4 पिंच हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी हाथों से मसल के इसमें ऐड करेंगे हम. 1/2 कप थिक दही इसमें ऐड करेंगे हम. गाढ़ी वाली दही है वो इसमें ऐड की है मैंने. 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे इसमें हम. 1/2 नींबू का रस. अब सारी चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स. अगर आपके पास दही थोड़ी सी थिक ना हो तो आप दही की क्वांटिटी हल्की सी कम कर दीजिए. अब इसमें हम मिला देंगे प्याज, कैप्सिकम, टमाटर और जो पनीर हमने क्यूब्स में कट करके रखे थे वो. अब हाथों की मदद से इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे सारे मसाले ताकि अच्छी तरह से कोट हो जाए. अब इसे हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए. 15 से 20 मिनट के बाद अब इसमें हम प्लेस करेंगे एक छोटी सी कटोरी और उसमें हम रखेंगे गर्मा गर्म कोयला और इसके ऊपर हम डालेंगे कुछ बूंदे तेल या घी की. अब इसे कवर करके हम 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सारा स्मोकी फ्लेवर पनीर में आ जाए. सो ये अब रेडी हो चुका है तो कटोरी को हम बाहर निकाल लेंगे. अब एक पैन लेंगे हम और उसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून तेल और 1 टीस्पून बटर. बटर को हम कर लेंगे अच्छी तरह से मेल्ट. अब इसमें हम सारे पनीर के पीसेस और प्याज, कैप्सिकम, टमाटर जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो रख देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे. 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम टर्न करके दूसरी तरफ से भी मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है. अब एक फोक में हम पनीर के क्यूब्स इस तरह से लगा के इसे गैस पे हम रोस्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा तंदूरी वाला फ्लेवर इसके अंदर आ जाए. इस तरह से ब्लैक स्पॉट्स इसके ऊपर आ जाए. अब हम रेडी करेंगे पनीर टिक्का मसाला का मसाला. तो यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ले लिया है उसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून तेल. तेल एक बार जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा गैस की फ्लेम हम कर देंगे लो और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़े से साबुत मसाले. 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सौंफ, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, छोटा सा टुकड़ा यहाँ ऐड किया है दालचीनी का, 2 छोटी इलायची. अब मसालों को हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे. जब मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे तब इसमें ऐड करेंगे हम 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए. अब प्याज को हमें हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है मीडियम फ्लेम पर. यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का सुनहरा हो चुका है और प्याज हमारी काफी अच्छी तरह से भुन चुकी है. इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट,
अब इसे भी हम एक मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा भून चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे हम एक टमाटर मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ। अब टमाटर को हमें पका लेना है जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर हमारे काफी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 से 3 पिंच हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, इसे मिक्स कर लेंगे हम। अब मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम हम कर देंगे ऑफ और इस मिक्सचर को हमें ठंडा करके एकदम बारीक पेस्ट में कन्वर्ट कर लेना है। एक कढ़ाई ले लेंगे हम, उसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून तेल। तेल में ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी हाथों से इस तरह से मसल के। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसे हम फटाफट से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे जो मसालों का पेस्ट हमने रेडी करके रखा था वो। तो पिसा हुआ मसाला हम सारा इसमें ऐड कर देंगे, हल्का सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो पनीर टिक्का का मसाला जो हमने बनाया था मैरिनेट करते वक्त, उसका भी मसाला थोड़ा सा बच गया था तो वो भी मैंने यहाँ ऐड कर लिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स और इसे हम ढक के पकाएंगे लो फ्लेम पे जब तक कि सारा तेल मसालों से अलग ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसालों से तेल अलग हो चुका है, यानी कि मसाला हमारा कम्प्लीटली भून चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे एक छोटी कटोरी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक बाउल में मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था कॉर्नफ्लावर और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया था, तो उसका घोल यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ताकि इसमें वो रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आए। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हम एक छोटा कटोरा पानी का। ये ग्रेवी हमें ज़्यादा थिक बनानी है इसलिए मैंने पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम किया है। अब इसमें मिला देंगे हम नमक स्वाद अनुसार, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे पनीर, कैप्सिकम और जो प्याज का हमने टिक्का बना के रखा था वो। नाउ जस्ट गिव इट अ गुड मिक्स और इसे ढक के हम पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। सो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर सरफेस पे हल्का हल्का तेल आ चुका है, यानी कि हमारा टिक्का मसाला बनके तैयार है। इसे हम गार्निश कर लेंगे फ्रेश क्रीम से, क्रीम यहाँ पे ऑप्शनल है। नाउ जस्ट गिव इट अ गुड मिक्स, हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का मसाला बनके तैयार है। इसे अब गर्मा गर्म सर्व करेंगे हम रोटी के साथ, नान के साथ, कुलचा के साथ। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप सभी को ये मजेदार रेसिपी कैसी लगी। होप सो सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगली वीडियो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।